शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू दैट इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड एंड अ लॉन्ग जर्नी. सो इन डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्ट विद एरेज, देन गो टू लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश टेबल्स, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हीप्स. इफ द लैंग्वेज इज डिसाइडेड, अदर स्टेप्स कम मच इजियर. सबसे बेसिक और फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पता ही होगा, आई एम रेफरिंग टू एरेज. हेलो एवरीवन, माय नेम इज शौर्य गुप्ता और आज हम डिस्कस करेंगे अ रोड मैप टू लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स इन 30 डेज. शुरू करने से पहले लेट मी टेल यू दैट इट इज गोइंग टू बी अ हार्ड एंड अ लॉन्ग जर्नी. DSA कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो कि एक दिन में पढ़ के मास्टर करा जा सकता है. इसको मास्टर करने के लिए आपको बहुत ढंग से सारे टॉपिक्स को एक एक करके समझ के रेगुलरली और कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा प्रॉब्लम्स को, तब जाके कहीं आप अपने आप को DSA में अच्छा मान सकते हो. सो लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ द प्लान फर्स्ट. सबसे पहले सिलेक्ट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप्स. इफ द लैंग्वेज इज डिसाइडेड, अदर स्टेप्स कम मच ईजियर. एंड जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो सपोज करो कि आपको कोई दो अप्रोच मिली, ठीक है, आपने कोई दो अप्रोच सोची उस प्रॉब्लम के लिए. अब क्वेश्चन ये है कि कैसे डिसाइड करा जाए कि उन दो अप्रोचेस में से जो आपने सोची उनमें से कौन सी अप्रोच बेटर है. सो उसके लिए हम अपने एल्गोरिदम की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करते हैं. सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपको बिग ओ नोटेशन के बारे में पता हो और बाकी जो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए टॉपिक्स होते हैं उसके बारे में आपको पता हो. सो आफ्टर कवरिंग द बेसिक्स, लर्न अबाउट द बिग ओ नोटेशन. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करने के बाद और बेसिक्स कवर करने के बाद अब बारी आती है डेटा स्ट्रक्चर्स की. सो इन डेटा स्ट्रक्चर्स स्टार्ट विद एरेज, देन गो टू लिंक्ड लिस्ट, टैग्स, क्यूज, हैश टेबल्स, ट्रीज, ग्राफ्स एंड हीप्स. एंड नाउ इट कम्स टू एल्गोरिदम्स. इट इज द मोस्ट हार्ड पार्ट इन द DSA दैट पीपल से. बट इफ यू आर बाय नाउ गुड एट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट विल बी ईजियर फॉर यू. आपके लिए बहुत आसान होगा एल्गोरिदम्स. सो इस प्लान को फॉलो करने के लिए यू विल हैव टू स्टडी फॉर एटलीस्ट 2 hours डेली. आपको दिन में 2 घंटे तो निकालने पड़ेंगे इस प्लान को फॉलो करना है. तो अब बात करते हैं कि कैसे हम इस 30 days प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करेंगे हर दिन. सो किसी भी कोडिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको मैथमेटिक्स के बेसिक्स तो पता ही होने चाहिए. उसके बिना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहेगा प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना. एंड फॉर द फर्स्ट 2 days, दैट इज day 1 and 2, I would recommend you to brush up your mathematics skill. अगर आपने पहले से ही मैथ्स के बेसिक्स को कवर कर रखा है तो यू कैन स्पेंड दिस टाइम टू सिलेक्ट योर ओन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड उसके बारे में पढ़ने के बारे में. सो सम ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स ऑफ मैथ्स दैट यू कैन गो थ्रू आर सेट ऑपरेशंस, पावर सेट्स, रिलेशंस एंड टॉपिक्स लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सबसे बेसिक और फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपको पता ही होगा, आई एम रेफरिंग टू एरेज. एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड इसका साइज जो होता है वो फिक्स्ड होता है. सो आफ्टर कवरिंग द बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स एंड प्रोग्रामिंग इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज, देन नेक्स्ट 2 दिन एरेज के लिए रखो. इसमें जैसा कि हमने डिस्कस करा था पहले कि इस टाइम में हम थ्योरी पहले अच्छे से करेंगे एंड उस दिन उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. ईजी लेवल प्रॉब्लम से शुरू करो प्रॉब्लम सॉल्विंग अपनी. एंड इफ यू फील कॉन्फिडेंट इन सॉल्विंग ईजी वंस, एक बार ईजी वाली प्रॉब्लम्स कवर हो जाए देन गो ऑन फॉर मीडियम एंड हार्ड लेवल प्रॉब्लम्स. जैसे कि आपकी हो गई एरे रोटेशन हो गई, मर्ज टू सॉर्टेड एरेज हो गया एंड एरे सब एरे विद गिवन सम. आफ्टर कवरिंग वन डायमेंशनल एरेज, इट इज टाइम टू लर्न अबाउट मल्टी डायमेंशनल एरेज, जिसे हम बोलते हैं मेट्रिक्स. सो जैसा हमने एरेज को प्लान करा था कि 2 दिन रखेंगे 3rd and 4th, वैसे ही मैट्रिक्स को भी आप 2 दिन दीजिए 5th और 6th. इसमें वैसे ही जैसे हमने एरेज में करा था कि थ्योरी को अच्छे से कवर करेंगे एंड देन प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही अपना प्लान रखना. इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे रोटेट मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ये कुछ मैट्रिक्स से रिलेटेड बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं. सो पहले हफ्ते में हमने 1 dimensional एरेज और मल्टी डायमेंशनल एरेज कवर कर लिए. बेसिक्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में से अब बचता है स्ट्रिंग्स. नेक्स्ट 3 दिन हमें स्ट्रिंग्स को कवर करना है फ्रॉम day 6 to 9th.
taking these 3 days solely for strings will definitely help you in string manipulations. That is, you can do string changing, parsing, slicing, pasting or analyzing of the strings. स्ट्रिंग्स में जनरली स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता, उन्हें ना स्ट्रिंग्स मैनिपुलेशन टफ लगती है. बट लेट मी टेल यू, इफ योर बेसिक कंसेप्ट्स आर क्लियर, देन इट वुड बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स. सर्चिंग एंड सॉर्टिंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोस्ट ऑफ द कोडिंग प्रॉब्लम्स वेर यू नीड टू फाइंड अ स्पेसिफिक वैल्यू. Usually, most of the languages like Java, Python have their own inbuilt functions to search and sort a specific value. बहुत सारे अलग अलग sorting के algorithms होते हैं, but इस plan में हम most commonly used algorithms करेंगे both sorting and searching के लिए. जैसे कि आपका हो गया bubble sort, merge sort, insertion sort, selection sort, quick sort, heap sort और binary search हो गया आपका searching के लिए, linear search हो गया और जंप सर्च हो गए, और ऐसे ही बाकी जो कॉमनली आस्क्ड एल्गोरिदम्स होते हैं. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ आपको यहाँ बड़े अच्छे से करने को मिल जाएगा जब आप इन सारे एल्गोरिदम्स की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करोगे, कंपेयर करोगे कि किस सिचुएशन में कौन सा एल्गोरिदम आप यूज़ कर सकते हो. सो आफ्टर कवरिंग स्ट्रिंग्स टिल 9th डे, नेक्स्ट 2 दिन यानी 10th और 11th डे गए अपने प्लान के. सर्चिंग और सॉर्टिंग को पढ़ो एंड प्रैक्टिस करो. एक टॉपिक है रिकर्जन. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोग्रामर्स मिल जाएंगे जो कहेंगे कि ये रिकर्जन जो है उनके लिए सबसे डिफिकल्ट या फिर टफ टॉपिक था पूरे डीएसए में उनके लिए. बट ऑनेस्टली रिकर्जन इतना भी मुश्किल नहीं होता. इट इज़ जस्ट दैट अगर आपको अपने इस टॉपिक को सिर्फ अपने माइंड में आपने इसको समझा है, समझने की कोशिश करी है एंड बिना पेन एंड पेपर के आपने इसको विजुअलाइज करा है, समझा है, तो आपको रिकर्जन मुश्किल लगेगा. वरना तो रिकर्जन बहुत ही आसान है यार, बिकॉज डीएसए में आपको आगे चल के बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जो रिकर्जन पे बेस्ड होंगे. तो इसलिए हम इसको 2 दिन देंगे, दैट इज 12th एंड 13th, ताकि आप इसको अच्छे से पेन एंड पेपर पे प्रैक्टिस कर सको एंड इसको मास्टर कर सको. जस्ट लाइक एरेज, लिंक्ड लिस्ट स्टैंड आउट वेरी इंपॉर्टेंट इन कोडिंग as they will be crucial in helping implementations of data structures like stacks and queues and also will be used in graphs. So linked lists come in handy when the data entries are huge which array cannot handle on their own. So you should cover linked list in the next 2 days. Congratulations. So if you have completed so far, you have already reached the halfway through the course and you will be able to solve most of the data structure problems by now. You should have completed almost about 90 to 100 problems within the span of 15 days. Now also depending on the speed, you can increase the speed of solving questions. I guess this is the most important step, that is studying stacks, because it will overall help you in most of the data structure operations, data structures like operations in queues using stacks, queues using stacks and infix, postfix operations, etc. स्टैक्स के बहुत सारे एप्लीकेशन हैं यार, सो इनको अच्छे से पढ़ना एंड मास्टर करना का ट्राई करना, क्योंकि इसी के सेम कंसेप्ट पे ही आगे और भी डेटा स्ट्रक्चर्स बेस्ड हैं जैसे कि क्यू. सो इसी की इंपॉर्टेंस की वजह से हम इसको 2 दिन देंगे, यानी 16th से लेके 18th डे, ताकि आप स्टैक्स को अच्छे से कवर करेंगे. सो आफ्टर स्टैक्स इट इज़ टाइम फॉर क्यूज. इफ़ यू हैव स्टडीड स्टैक्स वेल, देन क्यूज विल बी जस्ट अदर डे इन योर बोरिंग लाइफ, जस्ट द ऑपोजिट ऑफ स्टैक यू में से. सो फिर से मैं वही कहूँगा कि अगर आपने स्टैक्स को मास्टर कर लिया है तो क्यूज को मास्टर करने में आपको सिर्फ 1 दिन लगेगा, विच विल बी अकॉर्डिंग टू अवर प्लान द 19th डे. अब तक हमने जितने भी डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा है, एरे से लेके क्यूज तक, वो सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम डे 20 हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कि सबसे पहला है ट्रीज. So the hierarchy of natural forms is maintained with the help of trees. Hierarchical data ko store karne mein trees ka hum use karte hain. There are further various combinations available for tree data structure, jaise ki AVL trees, red-black trees, self-balancing trees and many others. But as I say, if the basic of the concept is clear, basic concepts agar aapke clear hain kisi bhi data structure ke apne mind mein, then aap us data structure se kisi bhi tarike se bahut aasani se deal kar sakte ho. सो ट्रीज हो सकता है कि आपको इनिशियली शुरू में मुश्किल लगे, बट विद टाइम आपको ये काफ़ी आसान लगने लगेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे.
So to cover trees, we'll plant day 20 and 21st, and on 22nd day we'll cover binary search trees, ya jise hum log kehte hain BSTs. It is one of those topics jisme ki aapko kafi kam time lagega concept ko samajhne mein. And once you have done that, you will be thorough with the concept of trees. Sare concept ko aapne trees ke cover kar liya hoga ab tak. तो अब जो अपकमिंग डेज हैं हम उसमें टॉपिक्स कवर करेंगे, वो कुछ एडवांस टॉपिक्स हैं एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्राफ्स, हीप्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ये आपके प्लेसमेंट पर्पसेस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एंड बहुत सारे क्वेश्चंस इन्हीं में से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं. सो तैयार रहना इन टॉपिक्स को, बहुत सारे प्रॉब्लम्स को, इन टॉपिक्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपकी प्लेसमेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो रहा है, बिल्कुल तैयारी हो रहा है. सो अब बात करते हैं हीप्स के बारे में. हीप्स इज बेसिकली अ ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड जनरली विल बी ऑफ टू टाइप्स, जिसको हम कहते हैं मिनिमम हीप और मैक्सिमम हीप. द हीप डेटा स्ट्रक्चर हैज़ वेरियस एप्लीकेशन, जिसको प्रेम एल्गोरिदम में यूज़ करा जाता है, द डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम में यूज़ करा जाता है, एंड प्रायोरिटी क्यूज जो होती हैं वो भी एफिशिएंटली इंप्लीमेंट होती हैं हीप्स के जरिए. सो डे 23 और 24 में हम हीप्स को कवर करेंगे एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना. सो फाइनली अब डेटा स्ट्रक्चर्स में बचता है ग्राफ, विच आर द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो कि हम नेक्स्ट दो दिन में कवर करेंगे. ग्राफ्स कैन बी यूज्ड टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, सच एज शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू सिटीज, एन क्वीन प्रॉब्लम या फिर एम कलरिंग ग्राफ प्रॉब्लम. कुछ और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स ग्राफ से हैं, जैसे कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेवर्सल जो कि होते हैं BFS, DFS, साइकिल डिटेक्शन हो गया, मिनिमम स्पैनिंग ट्री हो गया, और इसी से रिलेटेड एल्गोरिदम्स जो कि क्रुस्कल्स हो गया, प्रिम्स हो गया, डिजक्स्ट्रा हो गया, आपका बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम हो गया, फ्लॉइड वॉर्शल एल्गोरिदम हो गया. तो इन द लास्ट फोर डेज वी विल कवर द ग्रीडी एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, कवरिंग ईच ऑफ दीज टॉपिक्स इन टू डेज. When you want to build a solution piece by piece and always choosing the next piece that offers the most obvious and immediate benefit, it is called greedy algorithm. So basically, greedy algorithm में हम हर point पे, हर मौके पे most optimal step लेते हैं जो कि हमारे पास फिलहाल available है. Greedy algorithms are widely used in operating systems and NP complete problems as well as in job selection problems. The last topic that is left to cover is, and the most important topic and fantastic topic is, the dynamic programming, jisko ki hum last do din mein cover karenge. It can be said as an optimization over recursion. The recursive calls for same inputs can thus be called as dynamic programming. Firstly, I would suggest you to go through the topic of recursion. Fir se ek bari recursion ko revise kar lo and then get your hands on with this dynamic programming. Congratulations! With this, आपने 30 days में data structures और algorithms को अच्छे से cover कर लिया है. अब अगर आपके पास time है तो आप इसे use करो बहुत सारे problems को practice करने के लिए, क्योंकि जितने भी problems आपने अभी 30 days में solve करे होंगे ना, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बहुत बढ़िया बढ़िया problems तो होंगे ही, आई गेस, बट ऐसा नहीं है कि वही अकेले टॉपिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे और प्रॉब्लम्स हैं यार, आप उनको प्रैक्टिस करो. And if you wish to practice problems, you can go to Code Studio platform by Coding Ninjas, जहाँ पे आपको thousands of problems मिल जाएंगी जो कि interviews में पूछी गई हैं of top companies like Amazon, Google और बहुत सारी companies available हैं, along with hundreds of interview experiences for free. And आप वहाँ पे free guided path से भी सीख सकते हो on topics of data structures and algorithms और इससे related topic. At last, I hope following this path to learn data structures and algorithms in 30 days, you will be able to crack your dream company. And guys, lastly, don't forget to like and share this video. Also, subscribe to the Coding Ninjas channel for more such amazing content. Thank you.